नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक और फ्रेश अपडेट लेकर के आ चुके हैं यहाँ पर सभी डिवाइसेस के लिए, जिनके लिए भी यहाँ पर MIUI मिक्स रोम जो है आती है। जी हाँ दोस्तों, इनके लिए आ गया 21.7.28। काफ़ी टाइम से आप लोग इसका भी कह रहे थे कि इसका भी एक रिव्यू कर दो, और फाइनली हम लोग इसका भी यहाँ पर रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। मैंने अपने Redmi Note 8 के अंदर इसको इंस्टॉल करके रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही में दोस्तों, काफ़ी सारे नए अपडेट्स आए थे तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए जाएं। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट्स हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। थर्ड पार्टी लॉन्चर जब आप लगाते थे तो उसके लिए यहाँ पर मतलब उसको कंपेटिबल बनाया गया, उसके लिए आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, यहाँ पर जो ऐप लॉक के अंदर भी यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है बैकग्राउंड डिज़ाइन के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो एक इनकन्सिस्टेंट नोटिफिकेशन साइज आ रहा था जब आप ऐप लॉक में यूज़ कर रहे थे, मतलब ऐप लॉक का कुछ इशू था तो उसको सॉल्व किया गया है। उसी के साथ फिक्स किया गया है यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन व ब्लैंक, मतलब ओकेशनली लॉक स्क्रीन जो है नोटिफिकेशन वो ब्लैंक हो जा रहा था, मतलब नोटिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे फिक्सेस किए गए हैं। उसी के बाद दोस्तों, यहाँ पर गैलरी की बात की जाए तो गैलरी के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐड स्क्रीन फ्रेम फीचर फॉर स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है ये है दोस्तों Mi 10 Lite। जी हाँ दोस्तों, Mi 10 T Lite करके एक डिवाइस आया था जो मेरे पास भी था, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं बेच चुका हूँ उसको, लेकिन आपके लिए स्क्रीनशॉट का एक फ़ीचर यहाँ पर आ गया है, मतलब उसकी जो स्क्रीन फ्रेम होता है ना वो यहाँ पर आ गया है। उसी के साथ में आपको यहाँ पर कुछ नए जो है यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है, फ़िल्टर्स, और यहाँ पर उसके अलावा एक ऑप्टिमाइज स्टोरेज का फ़ीचर आपको देखने को मिल जाएगा गैलरी के अंदर, जिसको हम आगे चल कर यहाँ पर देखते हैं। उसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर जो है यहाँ पर जो है कुछ एक चीज़ ऐड की गई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और लास्ट में दोस्तों, यहाँ पर MIUI प्लस का जो है ऐप को जो है रीडिज़ाइन किया गया है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखने को हमको मिल रही है गैलरी के अंदर सबसे ज़्यादा अपडेट किया गया, तो हम सबसे पहले गैलरी के अंदर ही चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिलते हैं। तो नीचे की तरफ आप लोग देख पाओगे कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल रहा है, मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पर दिखाता हूँ फ्रेम, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हो गया। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फ़ोटो खींच लेता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। फ़ोटो हमने यहाँ पर खींच लिया, कुछ फ़िल्टर जिनकी ये बात कर रहे थे वो मैं आपको यहाँ पर फटाफट से दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, फ़िल्टर्स के अंदर चलते हैं, और फ़िल्टर्स के अंदर इन्होंने कुछ नए फ़िल्टर्स ऐड किए हैं, तो फटाफट से हम उनका नाम एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इनको हम सर्च कर लेते हैं। एक तो ये वाला नया फ़ीचर, ये एक नया आया है, ठीक है, ये पीना लिया पता नहीं क्या लिखा है जो भी है, ठीक है। इसी के अलावा और भी छोटे छोटे और भी बहुत सारे मतलब नए आए हैं फ़िल्टर, वो आप चेक कर लेना, 3-4 फ़िल्टर नए आए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप देख लेना। अगर एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, फ़िल्टर के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, शुरू के जो ये 4 हैं ये नए आए हैं अभी, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। जी हाँ दोस्तों, बस इतना इसके अंदर है। और यहाँ पर एक और नया फ़ीचर आया था, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, और जो दूसरा फ़ीचर दोस्तों हमको देखने को मिला था वो दोस्तों हमको यहाँ पर कहीं सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। हम फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं कि किधर इन्होंने छुपा के उसको रखा हुआ है, तो अभी तक मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो ये रहा देखो, इसे ऑप्टिमाइज स्टोरेज, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा सिंक वगैरह, क्लाउड वगैरह, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये दोस्तों क्या करेगा आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पर चीज़ हो जाती है जो इसके अंदर अभी फ़िलहाल नहीं आई है। और डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर MIUI प्लस का डिज़ाइन चेंज किया गया है, तो उसको भी एक बार ही चेकआउट कर लेते हैं। साथ ही में यार, लास्ट टाइम एक नया फीचर भी दिया गया था जिसको अभी रिमूव कर दिया गया है, एक वर्चुअल रैम वाला जो फ़ीचर था उसको यहाँ पर दिया गया था, बट आप यहाँ पर देख पाओगे कहीं पर भी वो फ़ीचर अब दिखाई नहीं देता है गाइज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मतलब एक्साइटमेंट में इन्होंने डाल तो दिया था लेकिन वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है गाइज़ अभी, तो उसको फ़िलहाल जो है वो रिमूव कर दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों, यहाँ पर अभी भी Redmi Note 8 के जो है यहाँ पर जो है एनिमेशंस को फिक्स नहीं किया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल से एनिमेशन आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेकार एनिमेशन आ रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर फिक्स नहीं किया है। इवन दो ये एंड्रॉयड 11 के साथ यहाँ पर अभी आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इन्होंने एंड्रॉयड 11 में तो इसको अपग्रेड कर दिया है,
बट अभी भी आपको जो है इसके अंदर वो वाले जो है एनिमेशन देखने को मिलता है। हो सकता है दोस्तों वो इस वजह से किया गया क्योंकि प्रोसेसर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो इस वजह से भी हो सकता है वो यहाँ पर एनिमेशंस को फिक्स नहीं किया गया होगा या उनको बंद करके रखा गया होगा। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में एक बार यहाँ पर फटाफट चलते हैं, सारी चीज़ों को एक बार हम जो है देख लेते हैं कि क्या कुछ नई चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है या नहीं मिलती। तो यार परमिशन बहुत जगह पे मांगता है, मैं फ़िलहाल एक्सेप्ट कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम जब मैं अपने पर्सनल फ़ोन यूज़ करता हूँ तो तब मैं इनको यहाँ पर इनेबल नहीं करता हूँ। तो इसी के अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसा कुछ नया यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आपको आगे भी इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, तो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को हमें ज़रूर से लाइक कर लेना और कमेंट करना जरूर करना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाय बाय।